अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि बोंडक ऐप को आपने कैसे ज्वाइन करना है, इस पर काम कैसे करना है, और इवन इसका जो सीज़न 1 का ईयर ड्रॉप है वो भी लाइव है। अच्छा, ये ऐप देखे जाए तो ऐप ये देखो ना 2021 की है, 2021 के मिड में इसकी ऐप आ चुकी थी, लेकिन अब तक तब से अब तक इन्होंने माइनिंग ऑन की हुई है, लेकिन अब इन्होंने इनका जो टोकन है वो भी सेलिंग ख़त्म हो चुकी है, इन्होंने टोकन भी बेच दिया है। उसके बाद अभी अपनी एयर ड्रॉप चल रही है, तो बहुत जल्द इन्होंने ना अपना कोइन जो है वो लॉन्च कर देना है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह आ जाओगे, क्या कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आपके पास ऐप आ जाएगी। आपने क्या करना है, इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं फिलहाल चलो देखिए, आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लें क्योंकि टाइम लग सकता है, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। बाकी अगर आपका ऑलरेडी ओल्ड अकाउंट हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको ओल्ड अकाउंट नहीं है तो आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि अब भी टाइम है, देखा ये जा सकता है कि 2-3 मंथ अभी भी आपके पास है। वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। अगर आपको अब तो लेट हो चुका, अब ये विड्रा के करीब है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि स्पीड इसकी अभी भी अच्छी खासी है, और अगर आप टीम बना लेते हो तो आपका सोने पे सुहागा, मतलब आप अच्छे खासे कमा पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आप क्या करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, गिदर लॉग इन पर, तो उनका आगे वाइट पे जा जाता है। बेसिकली ये मसला उनके मोबाइल में या एंड्रॉयड वर्जन में, सबसे पहले वो ऐप को अपडेट करें, अगर फिर भी ना चले तो वो किसी और के मोबाइल में ये ऐप डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने आपके तमाम ईमेल आ चुके हैं। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी अपने ईमेल चूज़ कर लें जिस पे आपने अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इस पे अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए एक डेमो अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट समथिंग एस से ईमेल पे बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो आपसे कनेक्शन पूछेगा जिसके आपने रेफर से ज्वाइन किया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे देखें, ये जॉन एडवर्ड हैज़ इनवाइटेड यू टू जॉइन, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा बासित अली, आप ऊपर मेरी पिक्चर आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपल एक्सेप्ट इन्वाइट पर कर देना। ठीक है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपको इसके हवाले से बताता जाऊँ कि ये एक ना आपका फाइवर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने अपने फ़र्स्ट नाम डाल लेना, मैं अपना फ़र्स्ट नेम डाल लेता हूँ, यहाँ पे अपना सरनेम डाल लें। तो उसके बाद यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन बताएं कि आप किस थे, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स इन्हें आप फॉलो करते रहें। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपने इसे प्रोफाइल पिक्चर मांगेगा, आपने इस पर प्रोफाइल पिक्चर लगा लेने, मैं लगा लेता हूँ इसमें। तो आप देखिए, मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगा ली, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे इसमें कुछ टेक्निकल ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करोगे तो ही आप प्रोफाइल कंप्लीट होती, वरना नहीं होती, तो इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए लाजमी। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर आप सबसे पहले अपनी कंट्री देंगे, मैं कंट्री दे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, मैं मोबाइल नंबर दे लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मोबाइल नंबर दे दी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे ये नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से पूछा आप किस सिटी में ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल भावलपुर में ले रहा हूँ, मैं भावलपुर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप जो भी आपका प्रोविंस या आता है उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि आप नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं, येस आई वॉन्ट टू इनेबल, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं होता। यहाँ पर देखें, जैसे आपने अकाउंट बनाया आपको 5 बॉन्ड टोकन मिल चुके हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो आपका डेली का काम, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाद क्लिक कर देना, आपका काम डन। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपकी स्पीड है ना, ये बहुत कम है, 0.03 पॉइंट, इससे आप क्या कमा पाओगे, कुछ भी नहीं। तो अब ज़रा बात आती है सिलेक्टर की, आप इधर जाओ प्रोफाइल में, हम जाते हैं प्रोफाइल को कंप्लीट करने में। ठीक है, प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए, आपके नीचे प्रोफाइल जो है सिर्फ और सिर्फ 15% है। अब हमने क्या करना है, इसे 100% करना है। ठीक है, जब 100% हो गए तो वहाँ पे हमारी जो माइनिंग स्पीड है वो 0.1 पे चली जाती है। ठीक है, तो सिंपली हम शुरू करते हैं यहाँ से, पहले वाले अपने सेक्शन से इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो जो इसमें खाली पड़ा हुआ है और जिसके ऊपर स्टैटिक वो तो लाजमी करना, लेकिन जो खाली आप इसमें ही ऐड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आई एम स्टूडेंट एंड, तो कुछ भी आप अपनी तरह से लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं फ़िलहाल। अब उसके बाद लोकेशन हमारी, अब यहाँ पे देखें, जो ये वाली चीज़ें ये आपने लाजमी फिल करनी है। यहाँ वो पूछा डिपार्टमेंट आपका प्राइमरी रोल क्या है, तो मैं क्योंकि इंजीनियरिंग से तो मैं ओके करता हूँ। अब वो पूछ रहे रोल आपका क्या है, मैं कह लेता हूँ कि मैं मोबाइल इंजीनियर हूँ। उसके बाद अगला है आपका लेवल क्या, तो मेरा लेवल मिड है। अब यहाँ से एक चीज़ आपने यहाँ पर ना वेबसाइट में कोई ना कोई अपनी लिंक लाजमी दें। ठीक है, तो चाहे आप अपना ट्विटर के दे दें,
HTTPS। आप क्या करो, मैं आपको ऐसे करता हूँ, सिंपली मैं चला जाता ब्राउज़र में। ब्राउज़र में यहाँ पे देखो ट्विटर एंड, आपने ट्विटर को उठा के इधर डाल देना, ठीक है। अपना ट्विटर के लिंक वेबसाइट में जाओ, अगर आपका लिंक इंडियन को वेल एंड गुड, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे बोंडेक्स ऐप है, मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, मेरा यूज़र नेम है। तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़र नेम डाल दिया। अब क्या करोगे, सेव। अब आपको कोई इस पर कोई टिक ठीक नहीं था, कोई स्टार वगैरह, ये क्यों, क्यों, क्योंकि इसके बिना आपकी प्रोफाइल जो है अधूरी रह जाती है, प्रोफाइल कंप्लीट नहीं रहती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा प्रोफाइल यहाँ पे देखे 30% कम्प्लीट हो चुकी, तो ये वाला हमारा सेक्शन कम्प्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं इस पर जॉब प्रेफरेंसेस पे। तो यहाँ पे देखे आपसे पूछ रहे कि आप अवेलेबल ओपन टू वर्क, यस हम अवेलेबल है। अब वो कह रहे हैं कि आपका क्या रोल होना चाहिए, मतलब आप कितनी देर में करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 1 से 3 वीक के अंदर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ से पूछ रहे कि आप जॉब किस टाइम की होगी, मैं कहता हूँ मैं ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांस इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप जॉब करना कैसे करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि मैं रिमोट करना चाहता हूँ, मतलब घर बैठ के करना चाहता हूँ। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से जॉब चाहिए, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग की चाहिए, डाटा की चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन स्ट्रेटजी की चाहिए। अब यहाँ पे नीचे इसको भी आपने फिल करना है, इनमें से किसी एक को लाजमी सेलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ हार्डवेयर इंजीनियर, टेक्निकल राइटर, मोबाइल इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब आगे पूछेगा आपसे कि आप किस टाइप की जॉब चाहते हो, मैक्सिमम 2 लेवल सेलेक्ट कर लेते हो। मैं चाहता हूँ मैं जूनियर लेवल चाहता हूँ और उसके बाद मिड लेवल चाहता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि आपको किस कंट्री में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ चाइना। उसके बाद आप जितने मर्ज़ी कंट्रीज यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो बाकी मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आपको सब में वीज़ा चाहिए, तो आप इसको वीज़ा को लाजमी टिक करोगे। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। ये किस्म के आप समझो कि आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ईयरली सैलरी कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे ईयरली सैलरी चाहिए $88,000, और जो मेरी पर आवर सैलरी होगी वो होगी मेरी $83, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे, अपनी चीज़ें लाजमी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर टाइम लग रहा है इसको सेव होने में, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरा ये वाला सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ऊपर देखें मेरा 45% हो चुका है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये स्किल्स लेगे और एक्सपीरियंस लेगे। अब इन्हें वन बाई वन देखें, सबसे पहले स्किल्स पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें आप स्किल आपसे पूछेगा आपकी स्किल कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ पे जो जो मेरे पास स्किल्स हैं मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद पूछेगा कि अगर आपकी कुछ स्किल इनमें नहीं है तो आप इधर सर्च कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस में कुछ भी नहीं है, तो ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे देखें मैंने ये स्किल्स आपने सेलेक्ट कर चुकी है। यहाँ पे देखें आपने कम से कम 3-4 स्किल लाजमी सर्च करनी है। अब मैं करता हूँ इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखें हमारा 55% हो चुका है, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा एक्सपीरियंस का। अब हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं, हम तो स्टूडेंट हो। यहाँ पर हमने क्या करना, अपनी तरफ से फेक एक्सपीरियंस डालना है। अब मैंने लास्ट टाइम टीचिंग की थी, तो मैं यहाँ पर टीचर डालता हूँ। कंपनी क्या थी, तो मैं नाम लिख लेता हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है आपने, बस ये खाना पूरी करनी है। अब यहाँ से वो आपसे डेट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। ये एक तो इसका डेट फंक्शन भी, तो यहाँ से आपने डेट सर्च कर लेनी जो आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हो कि आई वाज टीचिंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। उन्होंने कौन सा चेक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपका एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक। बैक आने के बाद अब देखें यहाँ पे प्रोफाइल 70% कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे जाते देखते हैं हमारा कौन सा रह गया। तो अब यहाँ पे हमारी दो रह गए, एक एजुकेशन और एक रिज्यूमे। तो सबसे पहले हमने अपनी एजुकेशन ऐड कर लेनी, बेहतर ये कि आप अपनी लास्ट डिग्री ऐड करें। तो मैं अपनी लास्ट डिग्री ऐड कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे स्टडी पूछ रहा है। डिग्री मेरी क्योंकि मास्टर्स की, तो मैं डिग्री में मास्टर्स डालता हूँ। अब यहाँ से वो आपसे डेट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। तो आई एम करंटली 2022 और यहाँ पे आई एम करंटली आई एम आ स्टूडेंट हियर, तो यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी एजुकेशन ऐड हो चुकी है, अब हो गया 85%। अब आपका 15% रहेगा, वो क्या करूँ, ऐड रिज्यूमे। अब रिज्यूमे में आपने क्या ऐड करना है, आपके पास कोई भी पीडीएफ पड़ी हो, अगर नहीं पड़ी तो गूगल से डाउनलोड कर लें, और आपके पास 5 MB से कम होनी चाहिए। आपने क्या करना है, अपलोड रिज्यूमे पर क्लिक करना है। मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, तो आपके डिवाइस में कोई ना कोई पीडीएफ पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास DLMS पड़ी हुई, तो मैं इसी को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो कोई डरने के नहीं है, यहाँ पर ये मेरा फीस चलान वाउचर है, मैं इसी को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपलोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब सिंपली आपका अपलोड हो चुका है, अब आप वापस चले जाओ। तो हम वापस आ जाते हैं, अब एक बार देखते हैं हमारी प्रोफाइल। यहाँ पे देखो, वो जो लेवल चाह रहा था वो ख़त्म हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं वापस माइनिंग वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारी जो माइनिंग स्पीड है 0.09 है, जब शुरू में स्टार्ट किया तब था 0.03। अब मैंने तो कहा था कि 0.1 होगा, अब वो कैसे होगा, ठीक है। तो आपके पास ना कोई वॉलेट होना लाजमी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर इस जगह जाएंगे, ये जो हमारे प्रोफाइल पिक है इधर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना, अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, वॉलेट पे क्लिक करोगे, ठीक है। वॉलेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना, कोई भी आपने एक वॉलेट क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपके पास मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट या रेम्बो वॉलेट, जो भी अप टू सोन कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जितने वॉलेट से वो ओपन हो जाएंगे। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ, मैं ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक कर दूँगा। तो आपके सामने आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो चुका है, आप इसकी लॉक ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, सिंपल आप कनेक्ट पे क्लिक कर दो। अब ये वापस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपका वॉलेट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ये आपका वॉलेट एड्रेस शो कर रहा है। अब हम चलते हैं वापस हमारे बोनडेक्स पे कि अब हमारी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि आपके पास 0.1 स्पीड आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इसमें रेफर कैसे बनाने हैं, और जाहिर सी बात, अगर आपने ये प्रोसीजर मन ज्वाइन करना, तो उसके लिए आपके पास रेफर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पर क्लिक करो आपके एक्टिव नेटवर्क पर। अब यहाँ पे देखो, आपको ना मेरी तरफ से स्पीड आ रही है, ठीक है ना। अगर आप मेरे रेफर से ज्वाइन करते हो तो आपको 0.02 मेरी रेफर से स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपका तो कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे क्लिक करोगे इनवाइट पे फ्रेंड पे, तो सिंपली आपके पास ये एक लिंक आ जाएगा। ये लिंक आपने सेंड करना, इसमें आपको ऑटोमेटिकली कोड चला जाता है, अगर वो इस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये ड्रॉप सीजन 1 कैसे ज्वाइन करना है, और इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, उसमें कैसे हमने क्वालिफाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।